कक्षा छठी विषय हिंदी। बच्चों आज हम सबसे प्रथम विषय पढ़ेंगे हिंदी का, जो है भाषा। ठीक है, भाषा पहले हम देखेंगे भाषा है क्या। मानव मुंह से उच्चारित ध्वनियों के सार्थक संयोग को ही भाषा का आधार माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, सार्थक ध्वनियों को भाषा का क्या माना जाता है, आधार। ठीक है, और सबसे पहले आज हम करेंगे भाषा की परिभाषा कि भाषा है क्या। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसका अर्थ हुआ कि जब हम अपने भावों को एक दूसरे के साथ प्रस्तुत करते हैं, जब प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, भाषा। ठीक है, अपन पे विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, और भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप। सबसे प्रथम है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा होती है उसमें हम बोलकर अपने भावों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के सामने हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं। देखो, मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मनोभावों को, मनोभाव हमारे मन में जो भी उत्पन्न होते हैं विचार, उनको बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे आम बातचीत, हम किसी विषय में बातचीत कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को बोलकर बताते हैं, जैसे भाषण। ठीक है, इसकी और अन्य उदाहरण देखो, राम ने कहानी सुनाई, रमन ने कविता पढ़ी। ठीक है, ये किसकी उदाहरण आ चुकी हैं, मौखिक भाषा की। ठीक है, और भाषा का अगला रूप है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा में हम जब अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करते हैं तब हम उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे देखो, भाषा को लिखित रूप में लिखकर जब पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। ठीक है, देखो जब हम अपने विचारों को लिखकर, देखो एक व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता लेकिन वो अपने लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों, ठीक है, ये सभी कौन सी आ गई, लिखित भाषा में। ठीक है, इसकी और अन्य उदाहरण देखो, जैसे हरमन ने कहानी लिखी, माँ ने विदेश में रहते पुत्र को पत्र लिखा। ठीक है, ये सभी किसमें आ गए, लिखित भाषा। ठीक है, और ये थी हमारा आज का विषय भाषा, जिसमें हमने भाषा की परिभाषा की और उसके दो रूप किए, जो हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा। आप सभी बच्चों ने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे याद करना है। धन्यवाद।